महाकर्णी तथागत भगवान बुद्ध विश्वरत्न परम पूजा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर उपस्थित पूजनीय बदंत नरेंद्र महावीर पूजनीय भिक्खुस संघ उपासक और उपासिका आज इस धर्मा सभा में आकर के मुझे बहुत ही खुशी हुए हैं हमारे बाबूजी जी चंद्रिका पूरे फैमिली का तरफ से अलग अलग जगह से भिक्खु संघ को निमंत्रण किया गया अलग अलग राज्य से भिक्खु संघों यहाँ पर उपस्थित हुए कल रात कल शाम से लेकर रात भर नॉन स्टॉप अथना पाठ पात किया गया नया विहार में और नया विहार में नया मूर्ति भी स्थापना किया गया और सुबह इसका संपन्न करते हुए सारे बिकु संघ को संगदान परिपन्न किया ये बहुत ही जरूरी है बौद्ध उपासक उपासिका लोगों में धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ही आगे बढ़ना चाहिए नागपुर ऐसे जगह है हम लोग बाहर देश में जाते हैं बाहर स्टेट में जाते हैं हम लोग बोलते हैं कि नागपुर सारे भारत में जीरो पॉइंट है वहाँ से किलोमीटर स्तार्त होते हैं और वही जगह से हमारे बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने वैसी तरह अलग अलग देश में जाते हैं अलग अलग गांव में जाते हैं हम लोग गौरव से बोलते हैं कि बाबा साहब के वजह से आज भारत में और भारत के बाहर सारे विश्व में बौद्ध धर्म का फैला रहे हैं उसी तरह जो विहार बनना बहुत ही जरूरी है विहार किस लिए बना जाता है इसमें कुछ कहना चाहता हूँ कि विहार संघ को रहने का विहार एक सारे गाँव में सारे एरिया में लोगों को बौद्ध उपासक उपास्य का लोगों को एकत्रित होने के जगह है बुद्ध विहार से बहुत प्रकार के शिक्षा दिया जाता है वहाँ पर सभी लोग आकर के पूजा वंदना करते हैं ध्यान भावना करते हैं और बुद्ध विहार से सारे उपासक उपास्य का लोग वहाँ पर मिलन होते हैं और आगे अपना यूनिटी आगे बढ़ते हैं उसी तरह विहार बांधते हैं मतलब कोई घर बांधते उपासक पैसे का लोग घर क्यों बांधते हैं घर बनने का मतलब है कि हम लोग धूप से बचने के लिए ठंड से बचने के लिए और बारिश से तूफ़ान से बचने के लिए और सारे जानवर से जो इंसेक्ट से उसे बचने के लिए हम लोग अपने रहने का स्थान निवास करते हैं उसी तरह विहार भी स्थापना विहार भी मानते हैं कि भिक्षु संघ लोगों को रखने के लिए बुद्ध विहार बनाना निवास बनाना बहुत ही जरूरी है आजकल हम लोग दिखाई देते हैं सारे गांव गांव में शहर में बुद्ध विहार बना के दान देते हैं उसमें व्यक्तिगत विहार बना के दान देते हैं और सामूहिक मिल के भी बना करके दान देते हैं इसीलिए जिसको जैसे ही ताकत है वैसे ही हम लोग उसको करना चाहिए भगवान बुद्ध के जीवन काल में आप सभी को मालूम है जैसे कि वेलवन बुद्ध विहार जतवन बुद्ध विहार पुब्बरामा बुद्ध विहार जो मेन मेन दायक है अनाथ पिंडिक जैसे कि बिंबिसार जैसे कि अलग अलग माता का अलग अलग जो लोग बना के दान दिया है उसी तरह आज नागपुर शहर में हमारे बाबूजी जी चंद्र का पूरे फैमिली सब लोग मिल कर के और सारे उपासक लोग भी सहायता करके आज का जो विहार स्थापना हुआ ये बहुत ही अच्छा है बहुत ही जरूरी है लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है हम लोग को विहार बनाना बहुत आसान है लेकिन विहार को परिचालना करना विहार को चलाना थोड़ा बहुत ही टफ जॉब है विहार बांधने के बाद हर रोज वहाँ पर पूजा वंदना होना चाहिए विहार बांध के हर हफ्ता में वहाँ पर दम एजुकेशन होना चाहिए और समय समय पर सभी लोग मिलकर के वहाँ पर सामूहिक साधना करना चाहिए हम विहार बना देंगे मेरे पास पैसा है कल का दिन कोई बांटे नहीं रहेगा हम ताला मार के रख देंगे लॉक लॉक लगा के रख देंगे कोई मतलब नहीं है इसलिए विहार स्थापना करना विहार बनाना बहुत ही अच्छा है उससे और अच्छा है उसको एक्टिविटीज़ चलाना बहुत ही जरूरी है सारे नागपुर शहर में मैं बहुत सारे जगह गया हूँ बहुत सारे विहार ताला लगा के रखा है क्यों भिक्षु संघ लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं और भिक्खु संघों भी, भी वहाँ पर जो रिलायबल पर्सन वहाँ पर नहीं मिलते हैं इसका वजह से वो हो रहा है इसीलिए उपासक उपासक पक्ष लोग भी कोशिश करना है कि विहार को बांधने के बाद उसको कंटिन्यू चालू रखना है एक्टिविटीज रखना है और भिक्ष संघ भी उसको साथ देना है सपोर्ट करना है कि किस प्रकार के हम लोग अपना को आगे बढ़े दमका एक्टिविटीज़ कैसे चले अभी जो सुंदर से बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ स्थापना किया ये मूर्ति बहुत दूर से लाया गया है थाईलैंड से मंगाया गया है पिछले तीन चार साल से मुझी बोला ओम उसका परिवार भंटी जी मुझे मूर्ति चाहिए मूर्ति दो मैंने हर साल में दस बीस पंद्रह पाँच ऐसे मूर्ति मांगा के अलग अलग जगह में मैं देते हैं और वहाँ पर जो भी मंगाता है वो मूर्ति को आने के लिए उसमें शिपिंग खर्चा है उसमें कस्टम क्लियर कस्टम क्लियर करने के लिए खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन की खर्चा है अलग अलग मिला करके हम लोग एक एक मूर्ति को साठ हज़ार आठ हज़ार करके शुरू करके अभी तो एक एक मूर्ति मंगाने के लिए खर्चा हम लोग को तीस चालीस हज़ार पचास हज़ार भी खर्चा होता है इसीलिए मैं वो मूर्ति को दिया और समय पर मूर्ति पहुंचा बुद्ध पूर्णिमा का दिन पहले बहुत ही अच्छा लगा और पहुंचते ही चंद्रिकापुरी का परिवार सब लोग मिल कर के ये प्रोग्राम को संपन्न कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है और किसी को बुद्ध मूर्ति का जरूरी है तो मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं नवंबर में पैंतालीस मूर्ति आने का बात हुआ है थाईलैंड से उसमें हम अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट करेगा पहले भी किया है ब्रह्मदेशी भी मांग के हम अलग अलग जगह पे दिया है थाईलैंड से भी दे रहे हैं जितना तो हो सकता है हम लोग अपना दमों को आगे बढ़ाना है इसीलिए बुद्ध मूर्ति स्थापना करने के बाद बुद्ध मूर्ति को हर रोज़ सुबह शाम ऐसे ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हम लोग उस पानी चराना फूल पूजा करना अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना समय से समय पर उसमें भोजन ऑफ़र करना बहुत ही जरूरी है मंदिर बनाया कोई नहीं है तला के रख दिया ऐसे नहीं चलता है इसीलिए आज हमारे बाबूजी जी चंद्र पूरे परिवार सब लोग मिल कर के जो विहार बनाया मूर्ति स्थापना किया यही बहुत ही गौरव है और ये बहुत ही जरूरी है बहुत ही अच्छा काम किया है परिवार में हम लोग रहते हैं लेकिन दान धर्म करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग दान भी देते हैं दान में बहुत प्रकार के दान होते हैं अभी हमारा पहले बहुत सारे बंते लोग हमारे बानवी बंते भी एक एक शब्द करके आप लोग को अनुवाद करके किया था दान का क्या चीज़ होते हैं इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को मालूम है सब दानंग धम दानंग जिन्हति सबसे श्रेष्ठ दान जो होते हैं धम्म का दान धम्म दान देने के लिए बिहार में भांतलुक होना चाहिए और जो लारनेट जो एजुकेटेड जो स्कॉलर्स जो एमिनेंट बुद्धिस्ट पर्सन भी होना बहुत ही जरूरी है होना चाहिए जहाँ तक भिक्षु संघ धम्म दान दे सकते धम्म प्रवचन दे सकते संघ देगा और जहाँ तक संघ नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक उपास उपास लोग भी जा के दमा का प्रचार प्रसार करना चाहिए हम लोग स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम लोग को क्या पढ़ाते हैं जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट हम लोग को सिखाया जाता है वो सब्जेक्ट को पढ़ के हम लोग एग्ज़ाम लिखते और पास हो जाता है उसी तरह दमा एजुकेशन भी बहुत ही जरूरी है स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे आने वाले पीड़ित को बच्चों को उपासक उपासिका महिलाओं को सभी को हम लोग बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना पूजा पाठ परितरण पाठ सुंदर से सीखना चाहिए मैं हमेशा बोलता हूँ त्रिपुरा में कोई आसाम में कोई जगह पे जाने से किसी को याचना करो बोलने से नहीं आता है मैं उन लोगों को बोलता हूँ आप जाइए महाराष्ट्र में आप नागपुर में जाइए बॉम्बे में जाइए चंद्रपुर में जाइए जैसे कि हम लोग पहले जाते थे चंद्रपुर बालरसिया सभी महिला लोग हो होकर कितना सुंदर से पूजा वंदना लेते हैं बिहार में जैसे कि बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना, पूजा पाठ कितना सुंदर से करते हैं आप लोग मैं उल्लू को ढांटते हैं उल्लू को सिखाते हैं कि महाराष्ट्र में आके बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो बौद्ध बने हैं वो लोग बहुत आगे चला गया और हमारा लोग बहुत पीछे पड़ गया बोल के हम उसको धान के समझा के सिखाते हैं क्योंकि जहाँ पर जो लोग नहीं जानता है वो लोग को बोलना पड़ता है इसलिए मैं बहुत ही अच्छा लगता हूँ जब भी नागपुर में आते हैं तो मैं ऐसे महसूस होते हैं कि मैं एक बौद्ध जगह पर पहुँचा हूँ हर घर घर में देखता है जो बुडिस फ्लैग लगाया हुआ रहता है पंचशील का जाना लगा हुआ रहता है और दम्म चक्र का जाना लगा हुआ रहता है क्योंकि अपना आपको फीलिंग होता है कि मैं बौद्ध देश में आ गया हूँ बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुंदर है उसी तरह आप लोग भिक्खु संघ को रखने के लिए भी कोशिश कीजिए भिक्खु संघ को मदद कीजिए भिक्खु संघ को क्या जरूरी है वो आप लोग सहायता कीजिए बिकृत संघ सबसे पहले एजुकेशन बहुत जरूरी है हम लोग चिवर पहनने से नहीं होता है हम लोग को विनय का शिक्षा लेना बहुत जरूरी है दम्मा का शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है तब जा हम दम्मा का प्रचार प्रसार करना है हम आज चिवर पहन लिया काल जाके बासन बासनबाजी करेगा किसी को गाली गालच करेगा कुछ भी विनय के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग का बुद्ध शासन का अच्छा नहीं है इसीलिए हम लोग को बहुत ही समझदारी से बहुत ही अच्छा से हम लोग को ले जाना है परियति पतिपति पदिवेदा जो बोलते पाली भाषा में प्रोपोकेशन प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द बुद्ध शासना वो हम लोग को करना बहुत ही जरूरी है इसीलिए वो परियति पदिपति पदिवेदा उसको प्रचार प्रसार करने के लिए हम भिक्षु संघ अकेला नहीं होता है उपासक उपासक का कभी मदद सहायता बहुत जरूरी है उपासक 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 उपासिका संघ और बिकु बिकुनिस संघ सब मिल करके हम ये काम को कर सकते हैं इसीलिए जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में जाते हैं विदेशों में जाते हैं तो विदेशी लोग हमको बोलते हैं कहाँ से आया मैं बोलते मैं भारत से इंडिया से आया हूँ वो बहुत खुशी से हम लोग बहुत विनम्रता से हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं कि इंडिया जो है बौद्ध का देश है इंडिया जो है बौद्ध का देश है और हम लोग इंडिया से आया बोल के तो एक हम लोग ऐसे फीलिंग होना चाहिए हम लोग भारतीय है हम लोग इंडियन है सारे इंडिया को जितना तक हो सकता हम लोग बुद्धमय का फैलाना चाहिए और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए उसी तरह उसी तरह आप लोग काम कर सकते हैं और अलग अलग जगह में भी आप लोग उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं इसीलिए आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा मुझे इतना सारे अलग अलग राज्य से बिको संघ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके सामने कुछ शब्द बोलने के लिए मौका मिला और चंद्रिका पूरे परिवार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ चंद्रिका पूरे परिवार पिछले 2007-2008 साल से अभी तक बहुत साल हो गया हमारा एक कनेक्टिविटी है और हम लोग को ये वो लोग मानते हैं अपना परिवार जैसा और हम भिक्खु संघ भी उन लोग को अपना परिवार जैसा हम लोग मानते हैं और भिक्खु संघों को हमेशा आदर करते हैं और कभी भी सुख दुख में फोन करते रहते हैं पूछते रहते हैं तब जा कर के आज का यहाँ पर इतना भिक्षु संघ उपस्थित हुआ और चंद्रिका पूरे परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी उपासक उपास्यकार लोगों में मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज का प्रोग्राम में मुझे आने के लिए यहाँ पर सभा के मेला तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर मेरा वचन समाप्त तो करता हूँ आप सबका मंगल हो बाबा तू सभा मंगलम